अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जो डिपेंड है मैजिक ट्रिक ऑफ स्क्वायर ऑफ 5, मतलब 5 का स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है जो नंबर 5 पे एंड होता है विद इन ए सेकंड। फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ जानते हैं कि वर्ग क्या रहता है, स्क्वायर क्या रहता है, मुरब्बा क्या रहता है, किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, मतलब कोई भी नंबर का सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन ये क्या कहलाता है, स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल 5 × 5, 5 को 5 से करें हमने तो 25 आता, कितना था 25, ये आपको याद रखना है ये ट्रिक के अंदर, ओके। 5 को अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई करें कितना था 25, मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का मुरब्बा, 5 का वर्ग कितना आता 25, ओके। अब हमको जो हमारी ट्रिक है उसके तरफ जाना है। अब देखिए किस तरह से जो नंबर 5 पे एंड होता, फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है 25 का स्क्वायर। अब हम क्या करते थे, पहले 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते थे, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से 25 × 25। अब ये हल करने के लिए हमको टाइम लगता था बहुत सारा, यहाँ पे इसका आंसर आता 625 पूरा हल करने के बाद, सॉल्व करने के बाद। लेकिन जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल है, कैसा देखिए 25 का स्क्वायर निकाल रहे हैं हम, ओके। काय पे एंड हो रहा नंबर 5 पे, देखिए नंबर क्या है इसके यूनिट प्लेस पर 5 पे, इसका मतलब ये एंड हो रहा 5 पे, तो 5 का स्क्वायर ले लेने का 25, 5 का कितना स्क्वायर आएगा 25, ओके। अब यहाँ बच गया 2, अभी 2 का जो सक्सेसर है, मतलब 2 के आगे क्या आता 3 आता, मतलब 2 में 1 मिला तो 3 आता, तो 3 आता। अभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन गुणाकार ज़रा करें, 3 × 2 = 6, तो अपना आंसर है 625, कितना आंसर है हमारा 625, समझे आप। देखिए 5 का 25, ये 5 का 25, अब 2 है, 2 के आगे क्या आता 3, 3 × 2 = 6, 625, ओके। अब इसको लिख लीजिए आप, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल हमारे पास आया 75। अभी 75 का स्क्वायर निकालना आपको, कितना 75 का, तो यहाँ देखिए 5 है, एंड 5 पर हो रहा तो 5 का 25। अभी 7 है, 7 क्या क्या आता 8, मतलब 7 में अगर 1 मिला तो क्या होता 8, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, ये आ गया हमारा स्क्वायर। 75 का स्क्वायर कितना था 5625। और एक एग्जांपल यहाँ पर हमारा 95 का, कितने का 95 का, विद इन ए सेकंड आएगा, देखिए आपको करने की ज़रूरत नहीं, 5 का 25, 5 का स्क्वायर 25। अब ये 9 है, 9 क्या है, 9 में 1 मिला तो क्या होता 10, अब 10 9 का क्या होता 90, 10 9 का क्या होता 90, तो हमारा कितना आंसर आ रहा 9025। करना क्या है बच्चों इसके अंदर, आपको कुछ भी नहीं ध्यान में रखना है, 5 का 25 और इसके सक्सेसर से इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसके एक सक्सेसर, मतलब एक आगे वाला, मतलब 7 के आगे क्या था 8, 7 × 8 = 56, देखिए 5 का 25, 9 के आगे क्या था 10, 9 × 10 = 90। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हमारे पास दिया 105, कितना दिया 105, इसका स्क्वायर निकालना है आपको। अब 105 का स्क्वायर निकालना है, मुरब्बा निकालना है, वर्ग निकालना है, 5 का कितना होता है 25, अब 11 आता है इसका सक्सेसर, 10 का कैसे आता 11 से, अब 10 को 11 से करें कितना होता है 110, देखिए 10 को 11 से करें क्या होता है 110, ओके। अब 110 यहाँ लिख दीजिए, ये होगा इसका फाइनल आंसर, ओके। इस तरह से हम कितना भी बड़ा नंबर लो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके समझ में आते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, देखिए आपके पास है 115, इसका स्क्वायर निकालना है 115 का। अब 115 का स्क्वायर निकालना है 115 का, 5 का कितना होता है बेटे 25, देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ओके। ये तो हमारी ट्रिक का हिस्सा है। अब बच गया 11, अब 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 11 का सक्सेसर कौन है 12 है, लेकिन हमको पता है 11 की प्रॉपर्टी हमने सीखे क्या होता है 1, 2 और ये 3, मतलब 1, 2, 3, 1, 3, 2, ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ओके। इस तरह से एक एग्जांपल और लेंगे हम यहाँ पे, जैसा 116, अभी सॉरी वो अब यहाँ पे हमारे पास जो है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल सिलेक्ट करो जिसपे आखिरी में 5 आता, कितना आता है 5। फॉर एग्जाम्पल 85 क्या करेंगे 8 का रख दो, 8 को इधर, इसका सक्सेसर आता 9, इसका सक्सेसर कितना था 9, 5 का 25, 8 × 9 = 72, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आपको ट्रिक के अंदर क्या करना है एक बार फिर से सुन लीजिए, ट्रिक के अंदर क्या करना है, ओके। इसे लिख लीजिए पहले, ट्रिक के अंदर आपको क्या करना है, ट्रिक के अंदर आपको यहाँ पे जो है तो पहले स्टार्ट में जो है फॉर एग्जाम्पल 25 पे समझा देता हूँ, कंसेप्ट अगर आपके समझ में आएगा तो आप 50 एग्जाम्पल बना सकते। ये 5 पे एंड हो रही, काय पे एंड हो रही 5 पे, तो 5 का कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब ये 2 है, यहाँ क्या बच गया 2, तो 2 का सक्सेसर, 2 के आगे कौन आता सक्सेसर, मतलब उससे एक कदम आगे 3 आता, क्या आता 3,
और दोनों का मल्टीप्लाई 3 × 2 = 6, तो आ गया 625। इस तरह की ट्रिक है जो 5 पर एंड होता है, इसके स्कोर हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो मिल सके। ओके।